तो भाई लोग, थॉर लव एंड थंडर बेशक एक बुरी पिक्चर थी मेरे लिए, बट इसके एक दो मोमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया। और उन मोमेंट्स में से एक था मूवी का मिड क्रेडिट सीन, जो कि मूवी की एक बड़ी गलती को सुधारते हुए एमसीयू में थॉर के फ्यूचर को सेटअप करता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के क्रेडिट सीन्स को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो थॉर लव एंड थंडर मूवी में दो क्रेडिट सीन्स हैं, एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट या एंड क्रेडिट। और दोनों सीन्स आई पर्सनली थिंक कि इक्वली इंपॉर्टेंट है एमसीयू के फ्यूचर के लिए। बात की जाए मिड क्रेडिट सीन की, तो हमें दिखाया जाता है कि ज़ियूस, जो कि थॉर के थंडर बोल्ट वाले अटैक को सर्वाइव कर गया है और इवेंचुअली उसकी डेथ नहीं हुई है, और वो कह रहा है कि लोग अब गॉड्स की जगह सुपर हीरोज को वर्शिप कर रहे हैं और ये सब रोकना जरूरी है, और ये तब रुकेगा जब थॉर ओडिनसन को लोग आसमान से नीचे गिरते देखेंगे। और ये बातें ज़ियूस हरक्यूलिस से कह रहा है, जो कि उसका बेटा है। और फिर अपन को हरक्यूलिस का एक शॉट मिलता है जहां वो अपने कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट में है विद हिज गोल्डन मेस, आल्सो एक्यूरेट फ्रॉम द कॉमिक्स। अब इस सीन का ब्रेकडाउन किया जाए तो ये सीन पूरी तरह से एमसीयू में थॉर के फ्यूचर को वापस से सेटअप कर देता है। वो ऐसे कि हमने थॉर को लोकी से लड़ते देखा है, मेलिकिथ से लड़ते देखा है, एक रोबोट से लड़ते देखा है, सर्टर, हल्क, हेलोर, द मैड टाइटन थैनोस से भी लड़ते देखा है, बट एमसीयू में हमने कभी भी थॉर को, जो कि खुद गॉड ऑफ थंडर है, उसे कभी भी एक पावरफुल गॉड से लड़ते नहीं देखा है। आई मीन थॉर लव एंड थंडर में भले ही ज़ियूस और थॉर लड़ते हैं, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर 1v1 फाइट। पर अब हरक्यूलिस, जिसे नॉर्स माइथोलॉजी में गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, अपन सीधा उसका मुकाबला गॉड ऑफ थंडर यानी कि अपने थॉर से होता देखेंगे। एमसीयू में हरक्यूलिस का रोल प्ले करेंगे ब्रिटिश एक्टर ब्रैड गोल्डस्टीन। और कॉमिक हिस्ट्री में हरक्यूलिस की बात की जाए तो हरक्यूलिस मार्वल कॉमिक्स तो छोड़ो, डीसी कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि किंग ऑफ ओलंपियन गॉड्स ज़ियूस का सुपुत्र है, और आगे चल के इवेंचुअली एवेंजर्स को ज्वाइन करता है। तो एमसीयू में भले ही हरक्यूलिस का इंट्रोडक्शन एज अ विलन हुआ हो, बट उसे कल नहीं तो परसों एवेंजर्स की टीम तो ज्वाइन करनी है। एंड टॉकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर इन ब्रीफ, तो बिलीव मी कॉमिक्स में भाई ने बियॉन्डर और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसे कैरेक्टर्स को भी टक्कर दी है। तो अगर मार्वल वाले हरक्यूलिस कैरेक्टर को सही ट्रीटमेंट दें तो इसकी और थॉर की एक फुल फ्लेज्ड फाइट से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। देन टॉकिंग अबाउट पोस्ट क्रेडिट सीन, तो हमें जेन फॉस्टर दिखाई जाती है जो कि वेलहेला में है, जिसे मिलता है हाइमडाल, जो कि इन्फिनिटी वॉर में निपटने के बाद वेलहेला आ गया होगा। अब कॉमिक्स में भी ये सेम तो नहीं, बट इससे मिलता जुलता सीक्वेंस होता है जहाँ जेन फॉस्टर, जिसके पास माइटी थॉर की पावर्स होती हैं, जब वो भी कैंसर से मर जाती है तब उसके लिए भी वेलहेला के गेट्स ओपन होते हैं, क्योंकि वो एज अ एस्गार्डियन बैटल में लड़ते हुए शहीद होती है। पर यहाँ भी कॉमिक्स में वो मरती नहीं है, बट ओडिन उसे रिवाइव कर देते हैं और तब जेन वेलकेरी का मेंटल लेती है। अब एमसीयू में भी ऐसा होने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि माइटी थॉर जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को सिर्फ एक मूवी में मार देना डजंट मेक एनी सेंस। और पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस तरह से एज अ जोक जेन की डेथ को दिखाया गया है, आई एम श्योर कि फ्यूचर में वो वापस अपन को एक्शन में दिखने वाली हैं। अब मिड क्रेडिट सीन से थॉर का फ्यूचर एमसीयू में इसीलिए भी सेटअप हो गया है क्योंकि उसे हरक्यूलिस मारने आ रहा है, और मे भी हरक्यूलिस के साथ साथ हमें और भी ओलंपियन गॉड्स जैसे कि एरीस और क्रेटोस भी देखने को मिले एमसीयू में, और एमसीयू में ओलंपियन गॉड्स की स्टोरी भी आगे एक्सप्लोर की जाए। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि ये तो टट्टी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।